गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिंपल पारेख रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम फिफ्थ क्लास की हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण। अब बेटा हिंदी व्याकरण में तो अपने जो लेसन कंप्लीट हो चुके हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं, और जो क्वेश्चन के आंसर हैं उन आंसरों के बारे में भी आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे देती हूँ। कई पेरेंट्स के, कई टीचर्स स्टूडेंट्स के मेरे पास में कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि मैम इन क्वेश्चन के आंसर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बेटा इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आज आपको समझा देती हूँ। करने आपको अपने खुद की स्वेच्छा से है, अपने मर्जी से करने हैं। बनाने का जो तरीका है वो आपको अपने आप करना है। ओके, मैं समझाऊंगी आपको, रिटन में एक एक क्वेश्चन के आंसर ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवाऊंगी। बेटा आपको खुद को सीखना है। आप कब सीखेंगे फिर? मैंने आपको पहले भी इन सबके आंसर आपको बताए थे, फिर भी चलो कोई ना, आपके पास में शायद क्वेश्चन के आंसर वो पहुँचे नहीं या वो वीडियो आपके पास तक नहीं पहुँच पाया। जो भी है मैं दोबारा से सारे क्वेश्चन के आंसर समझा देती हूँ। मैंने हिंदी फर्स्ट की जो बुक है, जो यही है आपकी हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड दोनों की एक ही बुक है आपके, पहले हिंदी सेकंड दे रखी है आपके और फिर उसके बाद में हिंदी फर्स्ट दे रखी है। तो हिंदी फर्स्ट के अंदर भी अपने 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर मैंने एक अलग से जो वीडियो है उसके अंदर बना दिए हैं, बता दिए हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर किस तरह से, क्योंकि हिंदी फर्स्ट के अंदर के सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको बुक में ही दे रखे हैं, ये वाली बुक में। ओके, आप ग्रामर है, ग्रामर के क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में नहीं दे रखे हैं, वो आपको अपने स्वेच्छा से करने हैं। तो मैं एक बार उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझा देती हूँ, करना आपको ही है, और जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको इस बुक में ही करने हैं। जो बुक में आते हैं वो बुक में करने हैं। सपोज डैट अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है वो बुक में नहीं आ रहा है तो आपको उसको नोटबुक में करना है। क्लियर बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन नंबर फर्स्ट जो था वह हमारा था संज्ञा। जैस पढ़ा था अपन ने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेदों के बारे में हमने जानकारी ली थी, तो मैंने पॉइंट्स बनाने के लिए आपको दिए थे। चलो पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 पे निकालिए, संज्ञा किसे कहते हैं लिख लेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको संज्ञा की, और उदाहरण देना है। कौन सा भी एक उदाहरण दे दीजिए, आपको दे रखा है ना कि संज्ञा की, संज्ञा के कहते किसे हैं, पहले आप संज्ञा की डेफिनेशन लिख देंगे और फिर उसके बाद में आप क्या लिख देंगे कि उसके कोई भी कोई भी एक उदाहरण दे देना आप लोग, और डेफिनेशन आपको पता ही है क्या है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं बेटा? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, उन तीनों भेदों के आपको नाम लिखने हैं और प्रत्येक के आपको दो दो एग्जाम्पल देने हैं, जो कि एग्जाम्पल आपको इसमें स्टार्टिंग के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। क्लियर? फिर आपके निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को आपको छांटकर अलग अलग लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी आएगी, एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, बाकी आपको अपनी मर्जी से करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे आ जाएगा रमेश, नरेश, दिल्ली, ये जो जिनके क्या डेफिनेशन होती है, आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगा किसी, यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या आ जाएगी बेटा आपने, कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, रमेश आ गया, नाम है ना, नरेश, दिल्ली इत्यादि। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा में जैसे पूरी जाति का बोध होता हो, तो मैं खाली एक बताऊंगी, बाकी आपको अपने आप लिखने हैं छाट के, लड़का। उसके बाद में भाववाचक, जिससे भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें हमारे मन के भावों के बारे में जानकारी मिलती हो या फिर मन के भाव क्या हो, प्रकट होते हो, तो जैसे मिठास है, खुशी है ना, ये हमारे मन के भाव है। उसके बाद में निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर अपने कोष्टक में लिखिए, ये आपको अपने मर्जी से लिखना है, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था ना बहुत अच्छी तरह समझाया था ये, तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है वो आपको छाट कर लिखना है। जैसे शेर जंगल का राजा है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा आ जाएगा, शेर आ जाएगा ना, उसी प्रकार से ये जो बाकी के हैं वो 4 आपको अपनी मर्जी से करने हैं, और नहीं आए तो फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं, वैसे आ जाएंगे, ईजी है, मैंने समझा दिया एक एग्जाम्पल, तो बाकी का आपको अपनी मर्जी से करने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छाटनी है। जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी है, जैसे नदी है, पशु है, ये तो जातिवाचक हो जाएगी। व्यक्तिवाचक कौन सी हो जाएगी, राम है, उदयपुर है, ये सारी आपके कौन सी आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए,
सेक्स में क्या दे रखा है, नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर आपको क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो जैसे ऊपर दे रखा है पहला घबराना, तो इससे क्या बन गई घबराहट, तो चिल्लाना से क्या बन जाएगी चिल्लाहट, अंकुलान से अंकुलाना से अंकुलाहट, उकताना से उकसाहट, बौखलाना बौखलाहट, बड़बड़ाना बड़बड़ाहट, गुर्राना गुरगुराहट, खुजलाना खुजखुजाहट और गिड़गिड़ाना गिड़गिड़ाहट। बस उसमें पीछे आपको क्या लगाना है, हट लगाना है। फिर है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में कोई भी आप वाक्य इस शब्द को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द अपने विद्यालय, तो आप विद्यालय संबंधित कोई भी वाक्य बना सकते हैं, मैं विद्यालय को जाता हूँ, मेरे विद्यालय के अंदर अध्यापिका पढ़ाती है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। पेड़, पेड़ से पत्ता नीचे गिरा या पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। उसी प्रकार से पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी कि शब्द आना चाहिए, पुस्तक शब्द जो है वो आना चाहिए। राम, राम बाजार गया। तो इस तरह से आपको कौन से भी इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी वाक्य बनाना है, कोई भी, जो अपनी मर्जी से, है ना, बता दिया मैंने आपको। निम्नलिखित, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी आएगी, जवानी, क्योंकि इसमें भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना। बाकी हिमालय तो क्या स्थान का नाम है, है ना, वो जगह है ना। उसके बाद में निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी आ जाएगी, अपने पुस्तक। और फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है, किसका कराती है, विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का। फिर है जातिवाचक संज्ञा बोध करवाती है, किसका, पूरी जाति का बोध करवाती है ना। क्लियर बेटा, कुछ लेसन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। लेसन नंबर सेकंड पे आ जाइए, लिंग, जो कि पेज नंबर आपके 9 है, जिसके अंदर लिंग किसे कहते हैं और उसके उदाहरण बताना है। तो लिंग की डेफिनेशन लिख देंगे कि जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का जहाँ पर बोध होता है, ऊपर स्टार्टिंग में दे रखा है बेटा आपको संज्ञा शब्द के, जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। दो उदाहरण दीजिए कि एक स्त्रीलिंग का दे देना, एक पुल्लिंग का दे देना। उसके बाद में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके भी आपको तीन तीन उदाहरण देने हैं, तीन तीन नाम लिख देना स्त्रीलिंग के अंदर, किसी भी तीन स्त्रीलिंग से संबंधित नाम लिख देना। पड़ोसन हो गई, अध्यापिका हो गई, सेठानी हो गई, पत्नी हो गई, कवयित्री हो गई, मालाएं हो गई, ये तो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। और पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, कवि, हाथी, मालई, स्वामी, कोई भी तीन नाम आप इसमें लिख देना, तीन तीन आपको एग्जाम्पल देने हैं। फिर आपके निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें लिख देंगे शेर का शेरनी, नदी का नदियाँ, भाई का बहन, माता का पिता, कवि का कवयित्री। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको इनके लिंग बदल के लिखने हैं। उसके बाद में शेरनी का क्या हो जाएगा, शेर, और इस तरह से सारे लिंग बदल के आप लिख देंगे। आगे देखिए, सॉरी, नदी का जो है ना, आपका नदी का इसको छोड़ देना बेटा, नदी का आपको अलग से दे रखा है, इसको आप हटा देना इसके अंदर लिंग, इसका जो नदी है ना वो शायद गलती से आ गया आपका, इस चीज़ को हटा देना आप लोग, ठीक है ना। बाकी और सारे आप लिख ही लेंगे। फिर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए, लिंग बदल कर आपको इसका लिखना है। भील का क्या हो जाएगा, भीलनी। देवर का क्या हो जाएगा, देवरानी। और स्त्री का पुरुष, इस तरह से आप पूरा लिंग बना के इसके लिंग बदल कर आपको लिखने हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्री छाट कर लिखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छाटने हैं। पुत्र क्या है, पुल्लिंग है। माता क्या है, स्त्रीलिंग है। पड़ोसन क्या है, स्त्रीलिंग है। गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है। या आपको अपनी मर्जी से देख लेना, लिख देना, इजी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए। अभी धोबी कपड़े धो रहा था, ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, तो आप इसके आगे लिख देंगे पुल्लिंग। युवती खाना बना रही थी, क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग लिख देना। राजा प्रजा का ध्यान रख रहा था, पुल्लिंग। माली बागवानी कर रहा था, क्या है, पुल्लिंग। इस तरह से आपको इसके लिंग बताने हैं, सामने लिख देना इसके। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा, विद्वान। लड़के में लिंग कौन सा है, अपने पुल्लिंग है ना, लड़का पुल्लिंग है ना। फिर है कृष्णा में लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। क्लियर, चलिए लेसन नंबर 3 पे आ जाइए। लेसन नंबर 3 है अपना वचन। ओके, वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन।
तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो दे रखा है पेज नंबर 12 पे, वो दे रखा है आपको कि वचन किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे लिंग कहा जाता है। और उसके बाद में ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आप लिख देंगे। एक वचन से आप क्या समझते हैं, एक वचन की डेफिनेशन लिख देना और इसके कोई भी दो उदाहरण दे देना, कोई भी दो शब्द आप लिख देना इसके। बहुवचन, बहुवचन की डेफिनेशन दे देना और इसके दो एग्जांपल दे देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदल कर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पुस्तक का पुस्तकें, नदी का नदियाँ, स्त्रियों का, यहाँ पे स्त्रियों का लिख रखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्त्री, कोवा का कोवे, इस तरह से आपको इनके लिंग बदलने हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखिए अपन चलते हैं निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। इसके आपको क्या करना है, इनके बहुवचन आपको लिखना है। तो बहुवचन आप लिखेंगे लीची का लीचियां, लड़का का लड़के, रानी का रानियां, मेला का मेले, इस तरह से आपको उनके बहुवचन बनाने हैं। फिर आप निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। एक वचन यानी कि यहाँ पे बहुवचन दे रखा है, बहुवचन के एक वचन आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे किताबें, किताबें का क्या हो जाएगा, किताब, कॉपियों का कॉपी, रुपये का रुपया, कथाओं का कथाएं, कथा, रोटियों का रोटी, गेंदे, गेंदे का क्या हो जाएगा, गेंद, बल्ले का बल्ला, वाले का वाला, गोपियों का गोपी। फिर बहुवचन बनाने हैं, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, नदी का नदियाँ, घाटी का घाटियाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ, कारखाना का कारखाने, इस तरह से बनाने। उसके बाद में सारे बेटा यही दे रखे हैं आपको, बहुवचन बनाने, खिड़की का खिड़कियाँ, टहनी का टहनियाँ, नारी का नारियाँ, रानी का रानियाँ, बकरी का बकरियाँ, पत्ती का पत्तियाँ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 पे बेटा आपके ओ शब्द जोड़ना है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, देशों, युद्धों, गांवों, लोगों, ठीक है, ये सबके पीछे आपको ओ जोड़ना है। राताओं है ना, इस तरह से सैनिकों, रातें आएगी इसमें, राताओं नहीं, रातें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 पे देखा है निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है, चिड़ियाएं हैं, बहुत सारी प्राणी, बाकी तो औरतों से क्या है, एक वचन है, बहुवचन कौन सा है, चिड़ियाएं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, एक वचन का उदाहरण कौन सा है, अपने से गाय। क्लियर बेटा, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आपके हिंदी फर्स्ट एंड हिंदी सेकंड दोनों के मैंने आज आपको वीडियो बना दिए हैं। अब तक जितना भी वर्क हुआ है वो वर्क मैंने आपको ढंग से समझा दिया है, व्याकरण का भी समझा दिया है और आपके जो रीडर है उसका भी मैंने आपको समझा दिया है। रीडर के सारे क्वेश्चन बुक के अंदर है और जो व्याकरण है, व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन के आंसर है, वो क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको भली प्रकार से समझा दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम हैं ही स्कूल में। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, वर्क जल्द से कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई मेरे पास भावना नहीं आना चाहिए कि मैम इसका ये चीज़ समझ में नहीं आई या हमसे हो नहीं रहा या कॉपी अच्छा हमारी पहुंच नहीं पा रही। बेटा कॉपी तो आपको पहुंचानी पड़ेगी ना, कैसे भी करके आपको स्कूल में कॉपी तो पहुंचानी पड़ेगी। जिस भी ब्रांच में आप पढ़ते हैं उस ब्रांच में आप कॉपियां पहुंचा दीजिए, वहां से जो टीचर्स आते हैं वो मेरे तक वो कॉपियां दे देंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।